हेल्दी फूड मींस स्वस्थ भोजन। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वस्थ होता क्या है, स्वस्थ को आप कैसे पहचानेंगे, कौन सा चीज स्वस्थ है और कौन अस्वस्थ, तो चलिए हम जानते हैं आखिर स्वस्थ होता क्या है। स्वस्थ वह होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है, वह बिल्कुल स्वस्थ होता है जिसमें कोई बीमारी नहीं होती है। अगर उसमें बीमारी होगी तो वह किसी भी कार्य को पूर्ण तरीके से नहीं कर सकता है, कोई ना कोई गड़बड़ी हो जाएगी, जैसे उसमें मन नहीं लगेगा या फिर उसको कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं इसको कैसे करूँ। और भोजन, भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है ये तो आप जानते ही होंगे। अगर आप भोजन नहीं करते हैं तो आपको बहुत जल्दी भूख लग जाता है, पेट में दर्द होने लगता है, चक्कर आने लगता है, ऐसे बहुत सारी बीमारियां आपको हो जाती है ना, तो आप खुद ही समझ गए कि भोजन हमारे लिए कितना जरूरी है। तो जानते हैं स्वस्थ भोजन के बारे में। स्वस्थ भोजन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हेल्दी फूड। हेल्दी फूड मींस स्वस्थ भोजन। फूड नेक्स्ट लाइन क्या है? वी कांट लिव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट फूड, मींस हम भोजन के बिना बहुत ज्यादा टाइम के लिए जीवित नहीं रह सकते हैं, हम भोजन के बिना जीवित रह ही नहीं सकते हैं। भोजन हमारे लिए बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हम भोजन को दिन में तीन बार खाते हैं, एक सुबह, दोपहर और रात में। जो सुबह हम भोजन करते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मींस नाश्ता, जैसे कि आप लोग सुबह में चाय पीते होंगे, बटर टोस्ट खाते ही होंगे, उसे हम लोग नाश्ता कहते हैं। तो चलिए जानते हैं। ब्रेकफास्ट, एक बार मेरे साथ ब्रेकफास्ट की स्पेलिंग बोल दीजिए। बी आर ई ए के एफ ए एस टी, ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट मीन्स नाश्ता। The meal.
जैसे कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम हल्के फुल्के कामों को करना स्टार्ट कर देते हैं और वह कामों को करते करते हमें थकावट से फीलिंग होने लगती है और हमें भूख लग जाता है। तो हम दोपहर में फिर से भोजन करते हैं, लेकिन जो सुबह भोजन करते हैं वो बहुत ही हल्का भोजन होता है, जैसे कि उबले हुए अंडे या फिर ब्रेड बटर, चाय, टोस्ट, ये सब खाने से हमें उतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। इसीलिए दोपहर में हम हैवी भोजन करते हैं, जैसे रोटी सब्जी या फिर दाल चावल, ऐसे भोजन हम दोपहर के टाइम करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट इज डिनर। डिनर मीन्स रात का भोजन। डिनर, डिनर का स्पेलिंग एक बार मेरे साथ बोलिए, डी आई डबल एन ई आर। डिनर, डिनर मीन्स रात का भोजन। द मील दैट वी ईट इन नाइट इज कॉल्ड डिनर, मीन्स वह भोजन जो हम रात में करते हैं। दोपहर के खाने के बाद हम अपने काम को करते करते फिर से थक जाते हैं और फिर हमें भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो हम रात में भोजन करते हैं और रात के भोजन को क्या कहते हैं, डिनर कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ये याद रखना है कि भोजन के साथ हमें पानी पीना भी बहुत जरूरी है। अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो हमारे भोजन को डाइजेस्ट होने में यानी कि पाचन करने में बहुत ही दिक्कत होती है, जिससे आपके पेट में हल्का फुल्का दर्द होने लगता है। इसीलिए बहुत ज्यादा पानी हमें पीना चाहिए और भोजन को हमें चबा चबा के खाना चाहिए। अगर हम चबा चबा के नहीं खाएंगे तो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस पे प्रेशर पड़ता है और भोजन को पचाने में बहुत ही दिक्कत होता है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भोजन के स्रोत, मीन्स सोर्स ऑफ फूड। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें जानवरों से भोजन कैसे मिलता है, तो चलिए बताते हैं। एनिमल हमें बहुत सारी चीज देते हैं, जैसे हनी। हनी बी का नाम आपने सुना होगा ना, हनी बी जो होता है वह पेड़ पे अपना छत्ता लगाते हैं सब, और फिर अपने हनी को जब ज्यादा टाइम हो जाता है तो अपने हनी को खत्म करके और उड़ जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग हनी को निकाल देते हैं, मीन्स मधु को, शहद को निकाल के और हम लोग अपने यूज में लेके आते हैं। मीट, एग, मिल्क, ये सब क्या है, जानवरों से मिलने वाले भोजन है। जैसे हनी को हम लोग खाते हैं, मीट भी हम लोग पका के खाते हैं और एग को भी खाते हैं, लेकिन जो मिल्क होता है वह हमें गाय से मिलता है और मिल्क से हम बहुत सारे भोजन बना सकते हैं, जैसे मक्खन, पनीर, दही इत्यादि। एंड अवर नेक्स्ट पॉइंट इज प्लांट। प्लांट से हमें क्या क्या मिलता है, अगर आप लोग बेसिक तौर पे देखें तो प्लांट से हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। जैसे हम लोग डेली क्या खाते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, ये सब हमें कहाँ से मिलता है, प्लांट से। प्लांट से हमें सब्जियां मिलती है, चावल, गेहूं, मक्के, जौ, ये सारे अन्न हमें पौधों से मिलते हैं। यहाँ तक कि स्पाइसेस मीन्स मसाले, तेल, ये सब हमें पौधों से ही मिलते हैं।
वी गेट मेनी थिंग्स फ्रॉम प्लांट लाइक एज वीट पैटी मेंस ईटीसी मेंस जो पौधे होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीजें मिलती है। और पौधों के पार्ट्स को हम लोग कैसे खाते हैं, मान लीजिए जैसे हम लोग उसकी पत्तियों को भी यूज करते हैं, उनके रूट्स को भी यूज करते हैं, उनके स्टेम को भी यूज करते हैं। मीन्स जो पौधों के पार्ट्स होते हैं हम उनको बहुत तरीके से यूज करते हैं। जैसे फ्रूट्स हो गए तो फ्रूट्स क्या होते हैं, उनके फल होते हैं, जैसे मैंगो एप्पल, ये सारे थिंग्स को हम लोग फ्रूट मीन्स फल के रूप में खाते हैं। अभी हम सोर्स ऑफ फूड के बारे में जाने, अब हम जानेंगे गुड फूड मैनर्स। गुड फूड मैनर्स मीन्स अच्छी भोजन की आदतें। अच्छी भोजन की आदतें क्या होती है, हमें भोजन करने का तरीका, भोजन कैसे करना चाहिए, किस टाइम करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। वी शुड हैव मीट एट फिक्स टाइम मीन्स हमें भोजन कब करना चाहिए, एक ही समय पे। मीन्स हमें एक अपना रूटीन बना लेना चाहिए, एक समय बना लेना चाहिए कि हमें इसी टाइम पे भोजन करना है और हमें उसी टाइम भोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स, मतलब भोजन करने के बाद और करने के पहले हमें दोनों टाइम हाथ धुलना है। और वी शुड वॉश आवर हैंड बिफोर एंड आफ्टर मील्स मीन्स भोजन करने के बाद और भोजन करने से पहले हमें अपने हाथ को क्या करना है, वॉश करना है, धोना है। हम कहीं भी बाहर से आते हैं वैसे ही खाने में पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। हमारे हैंड में पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे बैक्टीरिया होती है, धूल कण होते हैं जो हमें बीमार कर सकते हैं, तो हमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना है और हमें हाथ धुल के ही खाना खाना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट ईट स्टेल फूड मीन्स हमें बासी भोजन नहीं खाना है। बासी भोजन खाने से हमारे अंदर फुर्ती नहीं, आलस आ जाता है और हम पढ़ते पढ़ते या फिर कोई भी काम करते करते सोने लग जाते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है, हमें बासी भोजन नहीं करना है। नेक्स्ट है वी शुड नॉट परचेस अनकवर्ड फूड मीन्स हम जैसे कि ठेले पे आता है पानी पूरी चाउमीन, ये सब हमें नहीं खाना है। जैसे ये अनकवर्ड फूड होते हैं इसमें मक्खियाँ बैठती हैं। आप तो कभी भी कहीं दुकानों पे जाएंगे तो देखेंगे पकौड़े होते हैं, नमकीन वगैरह होते हैं, तो उसको खुले रखते हैं लोग और वहाँ पे मक्खियाँ आ जाती हैं और उसमें पता नहीं वो मक्खियाँ कहाँ कहाँ से उड़ के आती हैं। अगर आप एक साइड में भोजन रख दो और एक साइड में गंदा, तो वह मक्खियाँ पहले जाके कचरे पे ही बैठती हैं। तो हमें कभी भी अनकवर्ड फूड को नहीं खरीदना है और ना ही अनकवर्ड फूड को खाना है। नेक्स्ट है वी शुड ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड मीन्स हमें ताज़ा और साफ भोजन करना है। थैंक यू।